हम अभी भी रोते हैं ऑनेस्ट सी बात है पढ़ाई छोड़ दो आई आई की आपसे नहीं होने वाला हेलो स्टूडेंट्स सो टम इज कमिंग क्लोज एंड अननेसेसरली इट इज क्रिएटिंग हाई इन द स्टूडेंट माइंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर स्टेबल स्पेशली द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड आर एमिंग फॉर अ वेरी वेरी हाई परसेंटाइल एंड देयर इनिशिय जो अभी अपने को इम्प्रूव कर रहा है वो फालतू में क्लास ट्वेल्थ हर्ड एनी ऑफ द टॉपर्स वीडियो राइट नाउ बींग सर्कुलेटेड एन नंबर ऑफ टाइम ऑन यू ट्यूब यू आर लुकिंग कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा किससे पढ़ा फ्री पढ़ा पेड पढ़ा नहीं डिड यू नोटिस पिछले साल और उससे भी पिछले साल पेपर पोस्टपोन हुए जिस पे बहुत सारे बच्चे रोते रहे राइट पोस्ट पोस्ट इन एडवाइस पोस्टपोनमेंट टू दिस्ट आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनो उसमें एक बात कॉमन दिखेगी कि रादर देन क्रिबिंग अबाउट विल ऑलवेज से

जहां पर सीबीएसई इज हेल्पिंग जेई मीन एनवाइस वर्सा हम सीबीएसई को क्यों रोते रहते थे सर वहां पर थियोरिटिकल क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं स्टेप स्टेप बाय मार्किंग होती है पेपर इज कैन इट गेट एनी बेटर अगर हम अभी भी रोते हैं ऑनेस सी बात है पढ़ाई छोड़ दो आई आई टी जेई की आपसे नहीं होने वाला अगर आप अभी भी डर रहे हो सीबीएसई के एग्जाम से आपकी प्लानिंग उसकी वजह से चेंज हो रही है नहीं होगा जेई नाइंटी नाइन परसेंट सुनने में अच्छा लग रहा है करना इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए फिर आप जस्ट इमेजिन करिए ऑल दी टॉपिक्स आर गोइंग टू बी इन टर्म यू बेसिकली बाय दिस पॉइंट इन टाइम जब तक पेपर होंगे दिसंबर में आपका आइडियली वो वैसे भी खत्म हो चुके होते जेई मेन्स के लिए इनफैक्ट इट इज हाफ वे डाउन दी लाइन की आपकी एक बार हो सकता है

इधर उधर निकल चुके थे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एक तीर से दो निशान मीनिंग आप वो चैप्टर्स अभी खत्म कर दीजिए जो टर्म वन में आने वाले हैं जेई मेन्स के लिए ऑटोमेटिकली सीबीएसई के हो गए क्या होगा के स्टडी वाले क्वेश्चन सर समझ में नहीं आते यार अगर आप उन्हें एक दिन पहले भी कर लेंगे ना नंबर बन जाएंगे बहुत सारे बच्चे यहां पर सेमीकंडक्टर जैसे बढ़िया टॉपिक जेई मेन्स के लिए दो दिन पहले पढ़ते हैं सीबीएसई के लिए भी इतना कर सकते हैं और चांस अगर एक या दो नंबर कम भी आ गए तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए इतना ह्यूमन क्राई देने की जरूरत है इफ 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 योर टारगेट इज गेटिंग इन टू आई आई से फोकस अपना जो काम है वो करते रहिए ये जो एक मिडल बीच में एक आपकी एक स्टेज आ रही है माइल आ रहा है ये हेल्प ही करेगा कहीं भी डिग्रेडेशन नहीं करेगा अगर आप ऑलरेडी सही पढ़ रहे थे तो पढ़ते रहिए हफ्ते में तीन से चार घंटे उन्हीं रिवीजन पे देते रहिए आप ट्रैक से भटक चुके थे आप ट्रैक पे वापस आ जाएंगे जब तक सीबीएसई के पेपर खत्म होंगे आई होप दिस यू डाउन एंड गिव यू द कॉन्फिडेंस ये मैं क्यों ही दिमाग में डाल रहा हूं आई शुड जस्ट कीप ऑन वर्किंग वे आई हैव Decided to. God bless. Keep talking hard.